आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या होता है कि अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है और आप उसमें चेक करना चाहते हैं कि जो हमारा जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर है या नहीं है, तो उसके लिए कैसे कंफर्म करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का सर्च बॉक्स देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ टाइप कर लेना है ऑल बैंक मिस कॉल बैलेंस, तो आपको इस तरीके से आपको वेबसाइट को टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो यहाँ आपको शो हो रहा है फर्स्ट वैसे ऑल बैंक मिस बैलेंस मिस कॉल नंबर एसएमएस, तो मैं इस पर टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद आपको इस तरीके का आर्टिकल देखने को मिलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक से दो बार स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ देखने को मिल रहा है क्विक लिंक्स देन, इसके बाद आपको शो हो जाएगा यहाँ आपको एक ऑप्शन शो होगा, यहाँ देखने को मिल रहा है शो, तो आपको शो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप शो पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ काफ़ी सारे बैंक देखने को मिलेंगे, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और आपका जिस भी बैंक में आपका खाता है, जो भी आपका बैंक नेम है, जिस भी बैंक में आपका खाता है, वो आपको यहाँ नेम को चॉइस कर लेना है। यहाँ मैं यहाँ चॉइस कर लेता हूँ HDFC बैंक लिमिटेड, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके के इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ एक नंबर देखने को मिल रहा है फॉर अकाउंट बैलेंस, तो आपको इस नंबर को क्या करना है, आपको इस नंबर को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के डायल पैड पर आ जाना है। डायल पैड पर आने के बाद आपको क्या करना है, इस नंबर को मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद अब आपको इस नंबर को अपने मोबाइल, जो भी आपका मोबाइल नंबर, मोबाइल में जो आपका जो नंबर है, मोबाइल नंबर है जो भी आपका, उसको आपको डायल कर देना है। उसके बाद आपकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगी, तो आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक मैसेज रिसीव हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको इनबॉक्स में आना है, आपको एक मैसेज रिसीव हो जाएगा आपको इस तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते, अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट है तो आपको इस तरीके से मैसेज रिसीव हो जाएगी, हाँ भाई हमारा मोबाइल नंबर अपडेट है। अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आपको यहाँ मैसेज में रिसीव हुआ मेंशन हुआ मिलेगा आपको कि योर मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर, तो इससे आप कंफर्म कर सकते हैं जो हमारा जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर नहीं है। तो इस तरीके से कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा जो बैंक है उसमें हमारा मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।